हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव ठाकुर, आप देख रहे हैं मेरे चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेडमी नोट 7 में गॉड ऑफ वार 1 का गेम प्ले और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के डायमंड पीएस 2 प्रो में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना गाइस, मेरे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइस, आप यहाँ पर मैं आपको दिखाया था, सबसे पहले मेरे पास में रेडमी नोट 7 प्रो एंड आप यहाँ देख सकते हैं। एंड गाइस, रेडमी नोट 7 प्रो में गॉड ऑफ वॉर 2 का गेम प्ले मैं कल डाल चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और गाइस, ये जो फ़ोन है ये अंकित भाई का फ़ोन है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को ये फ़ोन दिया वीडियो बनाने के लिए और मेरे पास लेके आए इतनी दूर से। सो थैंक यू अंकित। एंड गाइस, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का डाला हुआ है डायमंड पीएस 2 प्रो। ये वर्जन 2.0 है डायमंड पीएस 2 प्रो का और इसमें मैं बायोस सेट कर लेता हूँ। गाइस, ये पहली गेम मैंने यही रिकॉर्ड करी थी कल जब गॉड ऑफ वार की वीडियो मैंने डाली थी आपके सामने। आपने गॉड ऑफ वार 2 की गेम प्ले देख चुके होंगे एंड आज मैं आपको गॉड ऑफ वार 1 का गेम प्ले दिखाने वाला हूँ कि परफॉर्मेंस कैसे चलने वाली है रेडमी नोट 7 प्रो में। एंड हमारी बायोस सेट हो गई है। और गाइस, ये डायमंड पीएस 2 प्रो फ्री वाले वर्जन में मैं इसलिए चला के दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसकी एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता चल पाए, ना कि कोई सेटिंग करके तेज करके दिखा दूंगा तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप लोगों को ओरिजिनल परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगी। और मैं हमेशा सही चीज़ ही बताता हूँ, जैसे मैंने रियलमी 3 प्रो में भी गॉड ऑफ वॉर चला के दिखाई थी, वो भी एकदम नॉर्मल सेटिंग्स और फ्री वाले डायमंड पीएस 2 प्रो में चला के दिखाई थी। और आज भी मैं सेम वही चीज़ दिखा रहा हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और गाइस, मैंने डायमंड पीएस 2 प्रो लेटेस्ट वर्जन जो है 2.0 उसे डाउनलोड कैसे करना है वो फ्री में, वो भी पेड वाला वर्जन, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ देख सकते हैं मेरे पास रेडमी नोट 7 प्रो ही है। और गाइस, रेडमी नोट 7 प्रो का मुझे ग्लास डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है, देखिए मैं आपको इसीलिए बार बार हमेशा दिखाता हूँ। एंड गाइस, हमारी गेम जो है स्टार्ट हो गई है और देखिए यहाँ पर काफ़ी स्मूथ चल रही है, काफ़ी लैग फ्री चल रही है। एंड यहाँ पर तो ये 50 FPS से ज़्यादा ही चल रही है, पर जब गेम स्टार्ट होगी असली परफॉर्मेंस जब पता चलेगी इसकी। एंड अब हम देखते हैं। और गाइस, मैंने गॉड ऑफ वॉर 2 का गेम प्ले भी किया है रेडमी नोट 7 प्रो में, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी मिल जाएगा। और गाइस, मैंने गॉड ऑफ वॉर 1 का भी गेम प्ले करा हुआ है रियलमी 3 प्रो में और 2 का भी, तो दोनों की गेम प्ले आपको रियलमी 3 प्रो में अगर देखने तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप परफॉर्मेंस खुद देख सकते हैं और खुद कंपेरिजन टेस्ट कर सकते हैं। वैसे गाइस, मैं सोच रहा हूँ पूरा कंपेरिजन टेस्ट लेके आऊँ गॉड ऑफ वार का और हर गेम का, रियलमी 3 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 7 प्रो, तो इनकी परफॉर्मेंस का टेस्ट लेके आऊँ मैं, बहुत ही जल्द सोच रहा हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। एंड आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, हमारी गेम जो है अभी तो 50 FPS से ज़्यादा ही चल रही है। और गाइस, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपको कि मैंने रिसेंटली एक गाना बनाया था जिसका नाम था वक्त मेरा। गाइस, अगर आप उस गाने को सुनेंगे और लाइक और शेयर करेंगे तो उससे मेरी बहुत हेल्प होगी। तो गाइस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसे लाइक और शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर करना गाइस, उससे मेरी बहुत हेल्प होगी। और कमेंट भी करके ज़रूर बताना आपको वो गाना कैसा लगा। और गाइस, अगर आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, जैसे कि OnePlus 7 है, OnePlus 7 Pro है, POCO F1 है, ASUS ZenFone 5Z है, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी मत लेना, क्योंकि गाइस परसों जो OnePlus 7 Pro का लॉन्च इवेंट हुआ था उसके बाद MI ने कुछ पोस्ट किया है, अगर आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, मैंने वो वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ अभी कोई फ्लैगशिप फ़ोन लेने से। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा OnePlus 7 Pro के नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हमारी गेम की। और हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ थोड़ी गेम हमारी स्लो हो चुकी है, जैसा कि मुझे पता था कि ये स्लो हो जाएगी, क्योंकि रेडमी के फ़ोन्स में, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया, अगर आपने मेरी कल का वीडियो देखी है तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ हमारी गेम थोड़ी स्लो हो गई है। एंड FPS जो है वो देखिए 50 तक नहीं जा रहे हैं, 40 के आसपास FPS चल रही है हमारी गेम, जो कि थोड़ी धीरे है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 3 प्रो। और गाइस, इसके रीज़न ये नहीं है कि रेडमी नोट 7 प्रो धीमा है रियलमी 3 प्रो से, बस इसका जो सॉफ्टवेयर है OS है जो, वो इस गेम को अलाउड नहीं करता वो डायमंड पीएस 2 प्रो की गेम्स को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल गाइस, मेरे पास POCO F1 भी है और ASUS ZenFone 5Z भी है, और ASUS ZenFone 5Z जो है उसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर है, एंड POCO F1 और ASUS ZenFone और जो POCO F1 है उसमें भी स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर ही है, और स्टिल POCO F1 गॉड ऑफ वॉर को ठीक से नहीं चला पाता, जबकि POCO F1 सारी गेम्स को चला जाता क्योंकि सेम प्रोसेसर है, सेम रैम है, उसके बाद भी POCO F1 गॉड ऑफ वॉर नहीं चला पाता डायमंड पीएस 2 प्रो की। तो गाइस, जो POCO का मैं बोलना चाहता हूँ, POCO नहीं, Xiaomi के जो फ़ोन होते हैं वो रेडमी के जो फ़ोन होते हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर हैं ये एमुलेटर के लिए कंपेटेबल नहीं होते ठीक से, इसलिए ये गेम नहीं चला पाते। अदरवाइज़ इनकी परफॉर्मेंस तो पूरी रहती है, पर एमुलेटर्स में थोड़ी इनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर ही ऐसे हैं। अगर आप इसमें कोई कस्टम रोम डाल के चलाएंगे तो आई एम श्योर आपकी गेम बहुत बढ़िया चलेगी। और गाइस, कस्टम रोम डालने की बोल रहा हूँ तो आप डालिएगा मत, क्योंकि उससे वारंटी एक्सप्लॉइट हो जाती है और मैं नहीं चाहता आपकी वारंटी ख़राब हो जाए, बेकार हो जाएगी आपकी वारंटी, इसलिए आप वो मत डालना कस्टम रोम।
जब तक आपका आउट ऑफ वारंटी ना हो और आपको नॉलेज ना हो प्रॉपर। एंड गाइस आप देख सकते हैं फिर भी स्टिल परफॉर्मेंस हमारी गेम की बहुत अच्छी चल रही है और कोई भी इतना ज़्यादा लैग नहीं है, आप इतना खेल सकते हैं, इतनी तो चल रही है ये इसमें। एंड गाइस अगर आपको रेडमी नोट 7 प्रो में किसी और गेम का गेम प्ले देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका गेम प्ले की भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड यहाँ तो परफॉर्मेंस में मुझे इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत लग नहीं रही है, पर मैंने जो फैक्ट था वो आपको बता दिया शुरू में ही, ताकि आपको हर चीज़ पता हो और आप मेरी वीडियो देखते तो आपको पूरी नॉलेज हो और आप भी कभी किसी को बता पाएँ ये चीज़। अदरवाइज़ आप इसका कभी भी कंपेरिजन टेस्ट कहीं भी कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में परफॉर्मेंस में कम नहीं है रेडमी नोट 7 प्रो, पर ये एमुलेटर गेम्स नहीं चला पाता, जैसे कि मैंने बताया रेडमी का OS ही ऐसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा है इसका। एंड गाइस आप देख सकते हैं, और गाइस अब मैं आपको इसके ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है और आप सही से सुन पाएंगे ऑडियो क्वालिटी इसकी कैसी है, एंड उसमें लैग है कि नहीं है वो भी आपको बताऊँगा। रुकिए अब मैं आपको सुनाता हूँ। तो गाइस अभी आपने ऑडियो क्वालिटी सुनी कि ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही थी। गाइस ऑडियो में तो कोई भी लैग नहीं था और ऑडियो क्वालिटी तो बिल्कुल सही ही चल रही थी, जैसी चलनी चाहिए सेम वैसी ही चल रही थी। मुझे ऑडियो क्वालिटी में कोई भी लैग नहीं लगा, बस थोड़ा सा वही लैग कर रहा है, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं जो कि 50 FPS तक नहीं जा पा रहे हैं, 40 FPS ही चल रहे हैं, बस वही चीज़ लगी मुझे और कोई भी दिक्कत नहीं लगी इसमें। एंड हमारी गेम थोड़ा बहुत लैग कर रही है, बट स्टिल अगर बात करी जाए फ़ोन की हीटिंग की तो हमारा फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है गाइस, मैंने खेल के देखा, और ये एक अच्छा फ़ोन है अगर आप लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं 13-14 हज़ार रुपये का, तो अब आप रुक ही जाइए क्योंकि अभी काफ़ी सारे फ़ोन्स आने वाले हैं, और जैसा कि मैंने बताया आप मेरी वाली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने वीडियो बताई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 1+7 के नाम से एक वीडियो होगी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी उसमें, बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा अपकमिंग फ़ोन्स के बारे में कि कौन कौन से फ़ोन आने वाले हैं और कैसे कैसे फ़ोन आने वाले हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ जानना या पूछना हो, अगर आपको गेम चलाने में कोई भी दिक्कत आ रही है या किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है, लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए करिएगा इस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप चीज़ आपके आंसर देना, आपके सवालों का आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कमेंट करके बताया करिए आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है गाइस, और आपसे मैं सीखने को मिलता है मुझे आप लोगों से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करा करिए और मेरी वीडियो को शेयर करा करिए। अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो उससे मेरी बहुत हेल्प होगी और मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ, मतलब मेरी मेहनत वसूल होगी गाइस, मैं रोज़ सुबह वीडियो बनाता हूँ उठ के, मतलब मेरे को बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करा करिए, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, स्टिल मेरे पे कोई व्यूज़ नहीं आते इतने ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी वीडियो शेयर करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।